सजाने लगी और फूलों की दुकान खेलती फेसबुक हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक नीट यूजी. दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव और आज का जो हमारा सेशन है इकोलॉजी यूनिट के अंदर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर हम लोग uh, कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज के बारे में एबायोटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर का क्या रोल है लाइट में डिफरेंट डिफरेंट जोनेशन इन द लैक वाटर के बारे में सॉइल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर के अंदर वॉट डू मीन मदर रेगुलेट कन्फर्म माइग्रेट सस्पेंड ये तमाम चीज़ें भी ऑलरेडी मैं लास्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं हम लोगों ने अडाप्टेशन्स के बारे में डिस्कस कर लिया है इसके आगे से आज हम लोग शुरू करेंगे उम्मीद करती हूं लास्ट सेशन तक का सारा आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे ठीक है अच्छा देखिए पॉपुलरली ये क्या हो गया चलिए फटाफट से आ जाइए जल्दी से लिंक को शेयर कीजिए सो वी कैन स्टार्ट विद सेशन और इससे पहले कि मैं अपने सेशन की शुरुआत करूं मैं फटाफट से आपको इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बता देती हूं अगर आप लोगों को अपनी शिवानी मैम के साथ पढ़ना अपनी एस बी मैम के साथ पढ़ना अच्छा लगता है अगर आपका फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच करता है और अगर आप सिर्फ ए वीडियो लेक्चर्स के थ्रू नहीं मेरी पर्सनल मेंटरशिप में मेरे पर्सनल गाइडेंस के अंदर अगर नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं तो आप अन का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी नीट की जर्नी को तय कर सकते हैं यहाँ पर आपको सिर्फ मतलब इट वॉज नॉट लाइक कि सिर्फ मैं मेरे साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के पचास से भी ज़्यादा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपको मिलते हैं पचास से ज़्यादा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके पास हैं साथ साथ यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज मिलेगा रेगुलर लाइव सेशन होते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं और यहाँ के लाइव सेशन हमारे यूट्यूब सेशन की तरह नहीं बहुत ही इंटरक्टिव होते हैं गिव्स यू द फीलिंग ऑफ अ प्रॉपर क्लासरूम क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को स्पेशली लर्निंग के लिए डिजाइन किया गया है तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ मिलेंगे जो 50 से भी ज्यादा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के बारे में मैं आपको बात कर रही थी आपको दोनों की दोनों जो है Uh, मतलब पचास ज्यादा सब्जेक्ट एक्सपर्ट तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब ओपन हो जाते हैं आपके लिए जस्ट विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन करना क्या होगा सिंपल सा स्टेप है प्ले स्टोर पे जाएं प्ले स्टोर पे जाकर प्ले स्टोर पे जाकर आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं आपके सामने गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे फिर वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछते हैं आप नीट यूजी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप उसके अंदर नीट यू जी फिल करेंगे फिर वो आपसे आपके सामने ऑप्शन आएगा प्लस या आइकॉनिक तो आप प्लस या आइकॉनिक में से कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं आएकौ, आइकॉनिक में सारे फीचर्स प्लस वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर है जैसे कि आपको एक पर्सनल गाइड मिल जाएगा आपको टेस्ट पेपर एनालिसिस यहाँ पर मिलेगा सिर्फ कुछ एडिशनल फीचर्स है आइकॉनिक का आइकॉनिक के चार्जेस प्लस से थोड़े से ज्यादा है बट आप प्लस या आइकॉनिक में से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अप्लाइंग दिस कोड जो कि आपकी अपनी मैम का नाम है शिवानी दोनों ही प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर आपको तो इस कोड के फायदे मिल जाएंगे जैसे ही आप प्लस या आइकॉनिक चूज करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके से मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन नजर आएंगे ये प्लस के प्राइसेस दे रखे हैं ऐसे आइकॉनिक के प्राइसेस अलग होंगे आपको इनमें से कोई एक छह महीने बारह महीने या दो साल का सब्सक्रिप्शन चूज करना है जितने ज्यादा ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन उतना ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है उतना ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है जैसे कि छह महीने का पच्चीस में अट्ठाइस हजार का एग्जैक्ट प्राइस ये दस परसेंट डिस्काउंट के बाद दे रखी है इट इज थर्टी एट थाउजेंड एंड इट इज फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फोर ये थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये सब्सक्रिप्शन प्राइस है लेकिन आपको एक्जैक्टली exactly इतना नहीं पे करना होता यहां पर प्रोसीड टू पे आता है प्रोसीड टू पे के पहले आपको यहां पर गिफ्ट वाउचर बना होगा खाली स्पेस होगा यहां पर आपको कोड अप्लाई करना होता है जो कि आपकी अपनी मैम का नाम है नाम क्या है फटाफट से लेट बी नो इन कमेंट बॉक्स कहां सुस्ती में निकाल रहे हो अपना जीवन जल्दी से बताओ कोड क्या है शिवानी शिवानी कोड को अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन लेना है और इस सब्सक्रिप्शन को लेने से कई सारे फायदे आपको मिलेंगे एक तो आपको आपकी फीस पर सीधा सीधा दस परसेंट का डिस्काउंट मिलता है फीस पर दस परसेंट का डिस्काउंट प्लस आप डायरेक्टली मेरी मेंटरशिप मेरे गाइडेंस के अंदर आ जाएंगे यू कैन बी द पार्ट ऑफ सुपर एटीज डीपीपी क्वेश्चन बैंक स्टडी मटीरियल सिर्फ बायो नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटीरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा मेरे खुद के हैंडर क्लास नोट नहीं शॉर्ट नोट जो कि रिविजन के टाइम पर बहुत हेल्पफुल होंगे यू कैन और थ्रू आउट द ईयर आपकी नीड की जर्नी में मैं आपको गाइड करूंगी यू कैन बी दार्ट ऑफ माई ग्रुप मै टेलीफॉनिक कॉन्वर्सेशन व्हाट्सअप ग्रुप एंड ऑल एंड ऑल मतलब बहुत सारे बेनिफिट आपको यहां पर मिल जाएंगे आज स्पेशल क्लास नहीं है ठीक है और एक और क्या काम करना है हमें एक काम ये करना है सबको अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर जाकर डॉक्टर शिवानी भार्गव का प्रोफाइल सर्च करो अनअकेडमी डॉट कॉम वहां पर मुझे फॉलो कर लो और अनअकेडमी डॉट कॉम एट द रेट शिवानी वन नाइन नाइन जीरो पर मुझे फॉलो करेंगे फॉलो करने के बाद एक तो मैसेज का ऑप्शन आता है सब्सक्रिप्शन लेने में कोई दिक्कत है आप बिल्कुल मुझे यहां मैसेज कर सकते हैं मैं रेगुलर बेस पर चेक करती हूँ प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया हो तो यू कैन लेट मी नो हेयर दस परसेंट डिस्काउंट के अलावा जो बेनिफिट्स के लिए या फिर आप मुझे डायरेक्टली क्लास में भी बता सकते हैं या मुझे फॉलो भी करना है मैसेज भी कर सकते हो गैट नोटिफिकेशन ऑन कर दो दोडमी प्लेटफॉर्म पर जितनी भी फ्री क्लासेस होती है आप उसे इंजॉय कर सकते हैं जो कि कल से होने वाली है Tomorrow, 9 PM, कल रात नौ बजे ठीक है कल रात नौ बजे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का टेस्ट है सो बी देर, ठीक है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का टेस्ट मैं कल कंडक्ट करने वाली हूँ कल रात नौ बजे ठीक है चलिए इट इज ऑल अबाउट दिस लेट्स गेट स्टार्ट विदेश आज हम सारी पढ़ चुके हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स भी मैंने आपको पढ़ा दिया था मैंने uh, कर्फ भी ट्राइंगुलर शेपेप बैल शेप किस में होता है ये भी मैं आपके साथ ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ सेक्स रेशियो वगैरह ये सब हो गया ट्राइंगुलर शेप ये एज पिरामिड्स डिस्कस हो चुके यहां तक डिस्कस हो चुका नेटेलिटी मोर्टिलिटी इमिग्रेशन एमिग्रेशन ये सारी चीजें मैं आपके साथ ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुकी हूं देखो डिस्कस किया था ना नेटिलिटी यानी कि बर्थ रेट इंक्रीज करता है पॉपुलेशन डेंसिटी मोर्टिलिटी डेथ रेट कम करेगा इमिग्रेशन जितने लोग आ रहे हैं इंक्रीज करेगा इमिग्रेशन कितने लोग जा रहे हैं डिक्रीज करता है ऑलरेडी डिस्कस हो गया ये सारी चीजें जी ग्रोथ मॉडल्स नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट डू मीन द बाय द इंटरेंसिक ग्रोथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ इंटरनसिक ग्रोथ में बोल रही हूँ ग्रोथ मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है दोनों को काफी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं डोंट वरी अबाउट दिस सेक्शन मैं आपको बिल्कुल राइटिंग सेक्शन इसके अंदर मिलेगा जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओवर द क्लास ओवर आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द राइटिंग सेक्शन ऑफ दिस ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं ग्रोथ मॉडल्स की बात करें तो इट रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न ग्रोथ इट हैव तो इट रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ दो टाइप यहां पर हम देख रहे हैं दैट इज द एक्सपोनशियल फॉर्म ऑफ ग्रोथ एंड द लॉजिस्टिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ ठीक है पहले मैं आपको एक्सपोनेशियल के पहले मैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कढ़ाऊंगी फिर मैं इस पर आऊंगी क्यों समझ में आ जाएगा यस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लॉजिस्टिक ग्रोथ पहले सुन लो आफ्टर दैट वी कम टू दैट सेक्शन लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें बेटा ये ग्रोथ तब आपको देखने को मिलती है इस तरीके का ग्रोथ फॉर्म लॉजिस्टिक ग्रोथ जब आपका जो पॉपुलेशन जो है जब जो रिसोर्सेज जो है ये आपके कैसे हो रिसोर्सेज कैसे हों आपके जब लिमिटेड रिसोर्सेज हो जैसे कि हम जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं हमारा जो नेचर है इसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके अनलिमिटेड नहीं है रिसोर्सेज कैसे हैं लिमिटेड है तो जब रिसोर्सेज आपके लिमिटेड होते हैं तब लॉजिस्टिक ग्रोथ शो होती है लेकिन अभी मैंने एक टर्म यूज किया कि हमारे यहां पर रिसोर्सेज है लिमिटेड लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए लिमिटेड है कम नहीं है एक पर्टिकुलर स्पीशीज के एक पॉपुलेशन के लिए मैक्सिमम जितने रिसोर्सेज चाहिए जी बिल्कुल उतने अवेलेबल होते हैं तो मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतने होते हैं बियॉन्ड दैट द ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल बट इट ड मीन कि रिसोर्सेज की कमी है रिसोर्सेज की कमी नहीं है एग्जैक्टली exactly जितने हमें चाहिए जी बिल्कुल जितना मतलब मैक्सिमम ग्रोथ के लिए चाहिए अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं हम जिस नेचर में रहते हैं यहां पर भी नहीं है, हो था था, पूरा हो जाएगा, कोई स्पीशीज बहुत ज्यादा हो जाएगी ऐसा नहीं होता ठीक है फिर एक चीज और हम जो डिस्कस करते हैं इसके अंदर बेटा एक होता है पॉपुलेशन डेंसिटी ठीक है पॉपुलेशन डेंसिटी इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं एक होता है कैरिंग कैपेसिटी कैरिंग कैपेसिटी इसे के से डिनोट किया जाता है कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है बेटा जी ध्यान से सुनो फॉर एग्जाम्पल ये एक हॉल है ठीक है इस हॉल में मान लो 200 बच्चों को ही बिठाकर मैं पढ़ा सकती हूँ सेटिंग अरेंजमेंट सिर्फ 200 स्टूडेंट्स का ही पॉसिबल है 200 सौ से, से दो सौ दो बच्चे भी दो सौ एक बच्चे भी आए तो उसके बैठने की जगह सेटिंग अरेंजमेंट इस रूम के अंदर पॉसिबल नहीं है तो 200 बच्चों का होना ये इस हॉल की क्या है कैरिंग कैपेसिटी ठीक है कि मतलब इतने ही आ सकता है और मान लो लेकिन इस हॉल में सौ बच्चे प्रेजेंट हैं तो ये इसका क्या हो गया इस हॉल का पॉपुलेशन डेंसिटी कितने प्रेजेंट हैं दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपैसिटी कितने आ सकते हैं तो 200 बच्चों का सेटिंग अरेंजमेंट है उसका हो गया कैरिंग कैपेसिटी एक कंडीशन आती है जब पॉपुलेशन डेंसिटी और कैरिंग कैपेसिटी दोनों बराबर हो जाए यानी कि 200 बच्चे ही बैठ सकते हैं और 200 ही बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंट है जब पॉपुलेशन डेंसिटी और कैरिंग कैपेसिटी बराबर हो तो इसे हम कहते हैं ए सिम्पटॉट की कंडीशन कई बार क्वेश्चन आता है शुड 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 बी ऑन योर फिंगर टिप्स इसे हम कहते हैं ए सिम्पटॉट का कंडीशन है क्लियर हुआ क्या बोला एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी टोटल कितने लोग हैं कितनी पॉपुलेशन दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी मैंने आपको समझाया कि जैसे एक हॉल है इसमें 200 बच्चे ही बैठ सकते हैं 200 बच्चों का ही सेटिंग अरेंजमेंट पॉसिबल है 200 से ऊपर नहीं बैठ सकते तो इस हॉल की कैरिंग कैपेसिटी है 200. सौ बच्चे प्रेजेंट है तो सौ हो गई पॉपुलेशन डेंसिटी ठीक है कैरिंग कैपेसिटी 200 है लेकिन 100 बच्चे प्रेजेंट है तो हॉल में तो 100 हो गई पॉपुलेशन डेंसिटी एक बार ऐसा हुआ कि 200 इसकी कैरिंग कैपेसिटी और 200 ही बच्चे प्रेजेंट है यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी और कैरिंग कैपेसिटी जब बराबर हो तो इसको हम कहते हैं ए सिंपटॉट का कंडीशन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर चलिए अब इसमें जो दे रखा है इसका लैंग्वेज मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ दैट इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच रिसोर्सेस विच इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट दे आर द लिमिटिंग पहला की पॉइंट एज वी डिस्कस लॉजिस्टिक ग्रोथ जितने जो रिसोर्सेजमेंट जो में प्रेजेंट हैिमिटेड तो लिमिटिंग रिसोर्सिस में होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ जिस नेचर में हम रह रहे हैं इन नेचर

पॉसिबल दिस इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ ठीक है ये जो नेचुरल लिमिट है दिस नेचुरल लिमिट फॉर दैट स्पीशीज इन द हैबिटेट इसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी दस नेचर डॉट प्रोवाइड अनलिमिटेड रिसोर्सेस प्रोवाइड नहीं करता कि exponential growth हो अभी जब मैं आपको दूसरा ग्रोथ मॉडल पढ़ाऊंगी वो अनलिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर ही होता है ठीक है तो इस वजह से क्या होता है लिमिटेड तो रिसोर्सली तो बात है कॉम्पिटिशन बिटवीन द इंडिविजुअल लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कॉम्पिटिशन होगा और कॉम्पिटिशन में क्या होगा जो फिटेस्ट वन होगा वो सर्वाइव करेगा और जो इन्फीरियर वन होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा द फिटेस्ट विल सरवाइव एंड द रिप्रोड्यूस ठीक है अब आपके कुछ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस भी होते हैं बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो फर्दर ग्रोथ नहीं होने देते देखो द सम ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर दैट जो फर्दर पॉपुलेशन को इंक्रीज नहीं होने दैट लिमिट द पॉपुलेशन साइज बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे ना जो पॉपुलेशन की साइज को इंक्रीज नहीं होने देंगे दैट लिमिट द पॉपुलेशन साइज तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इसे क्या कहा जाता है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ठीक है फिर और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में यहां तक क्लियर हुआ क्या क्या बताया मैंने आपको फिलहाल अभी तक यहां तक जो हमने डिस्कस किया है लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में उसमें हमने यही चीजें देखी सबसे पहला पॉइंट लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में जो हमने देखा ये कब होता है जब आपके रिसोर्सेस लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर लिमिटेड आपके रिसोर्सेज होने चाहिए रिसोर्सेज जो है सॉरी लिमिटेड होने चाहिए तब आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होगा ठीक है बट दे हैव सफिशियंट रिसोर्स हम जिस नेचर में हैं मैक्सिमम पॉसिबल बियॉन्ड दैट फर्दर ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल ठीक है तो तो लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर एक तो, मतलब लिमिटेड है दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी हमने डिस्कस कर लिया ठीक है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए पॉपुलेशन डेंसिटी एंसर रिप्रेजेंट करते हैं कैरिंग कैपैसिटी दैट नेचुरल लिमिट जो फर्दर एक्सपोनशियल ग्रोथ नहीं होने दे रहा है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है फिर हमने एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के बारे में बताया द सम ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट लिमिट द पॉपुलेशन ग्रोथ एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस सम ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स सम ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट लिमिट द पॉपुलेशन ग्रोथ जो पॉपुलेशन ग्रोथ को लिमिट करेंगे नहीं होने देंगे दैट लिमिट द पॉपुलेशन ग्रोथ इसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ठीक है इसे हम एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कहते हैं तो इतनी चीजें तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली आगे की राम कहानी सुनो ये हम डिस्कस कर चुके नेक्स्ट फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लॉजिस्टिक ग्रोथ सुनिए क्या है उससे पहले प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बच्चों एम आई प्रॉपरली ऑडिबल पता नहीं क्यों आज पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगा ऐसा तो नहीं मेरी आवाज ही नहीं आ रही है तुम लोग को एम आई प्रॉपरली ऑडिबल स्टूडेंट प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स यस और नो यस ओके चलिए देखो एक क्वेश्चन ये आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर जो ये ग्रोथ कर्व बनता है ना ये सिग्मोइड और एस शेप बनता है इस तरीके से ये आपको याद रखना है सिग्मोइड और शेप बनता है इसमें डायरेक्टली फेजेस के बारे में पूछा तो पहले तो बेटा लैग फेज आता है लैग फेज आएगा सबसे पहले लैग फेज में क्या है बहुत ही धीरे 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 ग्रोथ होती है फिर आपका लॉग या फिर बोल दो एक्सीलरेशन फेज आता है ठीक है लॉग या फिर इसे एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ या फिर इसे ग्रांड फेज ऑफ ग्रोथ या फिर इसे हम एक्सेलरेशन फेज भी कहते हैं ये आता है बेटा जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी मैक्सिमम ग्रोथ सी मैक्सिमम ग्रोथ यहां पर हो रही है उसके बाद मैक्सिमम ग्रोथ होने के बाद डी एक्सेलरेशन का फेज आता है धीरे धीरे ग्रोथ कम हो जाती है डी एक्सेलरेशन फेज आता है और फाइनली डीएक्सीन फेज के बाद आपके आती है ए की कंडीशन इस तरीके से ये सिग्मोड और एस शेप पैटर्न पे होता है या एस शेप्ड ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है सिग्मोइड या फिर कह दीजिए एस शेप समझ में आया देर इज अ लैग फेज बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है देन देर इज अ लॉग और द एक्सपोनेंशियल और द ग्रांड फेज ऑफ द ग्रोथ द मैक्सिमम ग्रोथ टेक प्लेस दिस इज द फेज मतलब एक्सेलरेशन फेज मैक्सिमम ग्रोथ इस पीरियड में होती है देन देर अकर डीएक्सिलेशन फेज ग्रोथ एकदम से रिटायर्ड होगी डीएक्लोरेशन फेज आता है देन इज कंडीशन विच कम दैट इज द का कंडीशन आता है वॉट डू मीन बाय द दिमटॉट कंडीशन एज वी ऑलरेडी डिस्कस ये ऐसा कंडीशन है जब पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल्स टू कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी और कैरिंग कैपेसिटी जब बराबर हो जाए तब इसको हम कहते हैं ए सिम्पटॉट की कंडीशन तो लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर सॉरी हाँ लॉजिस्टिक फॉर्म ऑफ ग्रोथ में सिग्मॉइड और एस शेप कर्व होता है ए सिमटॉट की कंडीशन फेज है याद होनी चाहिए पहले लैग फेज फिर लॉग फिर डी एक्सलोरेशन एंड फाइनली ए सिंपटॉट कंडीशन विच इज रिटर्न ओवर हियर सी या अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात कर करा जब लिमिटेड रिसोर्सेज हो initially there is a lag phase growth then it is followed by the log or the acceleration phase it is followed by the acceleration phase maximum growth takes place over here then there is then, then then it comes a condition where the growth decreases that is there is the phase where the deacceleration take place then finally it comes to a condition that is the asymptote then Finally, there is an asymptote condition. This is the condition where population density is equals to the carrying capacity when the population density that is n ज द कैरिंग कैपेसिटी दैट इज द के दिमटॉट की कंडीशन जहां से एग्जाम में मल्टीपल 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 नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है तो ये जो फेज लैग फिर लॉक फेज एक्सेलोरेशन दी एक्सेलेशन एंड ए सिमटोट कंडीशन दिस इज दिग्माइड कर्व आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरी वन और ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है इस ए वर्लस्ट पल

भीगी भिगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं हाँ जी सुन लीजिए लॉजिस्टिक ग्रोथ डिस्कस की है हमने सबसे पहले तो यहां पर तो सबसे पहली बात लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होगी जब आपके पास रिसोर्सेस कैसे हैं बच्चा लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं पहला की पॉइंट तब आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है लिमिटेड है बट यहां पे लिख लो देर आर सफिशियंट रिसोर्सेज टू सपोर्ट the maximum possible number beyond which the further growth is not possible there is a sufficient resources to support the maximum possible number beyond which the further growth is not possible ठीक है क्या होता है इसके अंदर अब सुनिए लिमिटेड रिसोर्सेस है ठीक दूसरी बात हम लोगों ने ये की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है ये नेक्स्ट पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस वाला फेस भी एक यहां पर देखने को मिलता है व्हाट इज द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ये भी देख लो द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर दैट लिमिट द पॉपुलेशन ग्रोथ टोटल of all the factors it is a sum total of all the factors that limits the population growth that limits the population growth इसको हम कहते हैं जी क्या कहते हैं इसे आप कहेंगे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, ठीक अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा कि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है इसमें ना एक ए का कंडीशन आता है ए का कंडीशन क्या होता है ए का कंडीशन क्या होता है जब पॉपुलेशन डेंसिटी That is N. ये बराबर हो जाए कैरिंग कैपेसिटी के दोनों टर्म्स का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूं कैरिंग कैपेसिटी को कैसे डिनोट किया जाता है ठीक है फिर हमने बात की कि भाई इसके अंदर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है ना ये सिग्मोइड और एस शेप्ड ग्रोथ शो करता है एस शेप्ड ग्रोथ कर्व बनता है इसका इस तरीके से कुछ होता है इसमें सबसे पहले आता है लैग फेस देन इट इज फॉलोड बाय द लॉग और द एक्सेलोरेशन और द एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ वेयर द मैक्सिमम ग्रोथ टेक प्लेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ठीक है इसके बाद आपका डीएक्सेलरेशन फेज आता है ग्रोथ धीरे-धीरे डीएक्सेलेरेट होगी देन फाइनली इट कम्स टू अ कंडीशन दैट इज ए सिम्पटोट का कंडीशन आ जाएगा ए सिम्पटोट में पॉपुलेशन डेंसिटी दैट इज एन इज इक्वल्स टू द कैरिंग कैपेसिटी क्लियर तो ये अपन ने सिग्मॉइड और एस शेप ग्रोथ कर्व के बारे में भी पढ़ लिया और ए का कंडीशन क्या होता है ये भी डिस्कस कर लिया इसको लॉजिस्टिक पल ग्रोथ भी कहते हैं और इसे किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के इट इज ऑल अबाउट द लॉजिस्टिक ग्रोथ इट इज ऑल अबाउट द लॉजिस्टिक ग्रोथ ठीक है नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ग्रोथ ठीक है ठीक है इसके बाद हम वो किस में पढ़ते हो ये देखो ना पहले एक्सेलरेशन फेज आता है स्टेशनरी फेज आता है ना एक में स्टेशनरी फेज बिल्कुल तुम मिक्स कर रहे हो ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में या फिर तुम क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे राहुल तो वो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जाते हैं बेटा बिल्कुल जाते हैं हम खुद भी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप देख लेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अपन को आंसर टिक करना होता है उस कंडीशन में <coughs> हाँ जी चलिए नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जी इसे जियोमेट्रिक फैशन ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को जियोमेट्रिक फैशन ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं और ये तब होता है जब आपके रिसोर्सेज कैसे हों लिमिटेड में तो लॉजिस्टिक ग्रोथ जब रिसोर्सेज हो आपके अनलिमिटेड

मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है बायोटिक पोटेंशियल डायरेक्ट टर्म से क्वेश्चन आता है द इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इसी को हम कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल ये सब कुछ नहीं पढ़ना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन्हें पॉप आप डायरेक्टली ये वाला एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई आर टी ये इथ मैथेमेटिकल एक्सप्रेशन इसका याद रखना और एक ये चीज़ आएगी बेटा ये आपको याद रखना है एनी स्पीशीज ये सुन लो ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर द अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा कम समय के अंदर ही एक चीज़ एक डायरेक्ट क्वेश्चन एक इस तरीके से आता है आप लोगों ने खुद ने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा पर्टिकुलर आपने कभी रेनी सीजन में किसी ऐसे सीजन पर हाईवेज पर जाते हो तो ना पर्टिकुलर एक मौसम में बहुत सारे कीड़े टिड्डी बोलते हैं उन्हें शायद राम जी का घोड़ा टिड्डी जो भी कह दो तुम मतलब एक पर्टिकुलर सीज़न में बहुत ज़्यादा अमाउंट में आते हैं उसके बाद जैसे सीजन खत्म होता है एकदम से खत्म हो जाते हैं तो ये जो है ना जे शेप ग्रोथ कर्व शो करते हैं जे शेप कर्व होता है उनका कि मतलब एकदम से नंबर एक पर्टिकुलर सीजन में इंक्रीज होगा और सीजन खत्म होने के बाद बिल्कुल खत्म तो ये जे शेप ग्रोथ कर्व को शो करते हैं बस इतना ही आपको ध्यान रखना है इसके अंदर आई थिंक दिट इज क्लियर टू एवरी वन प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स यहां तक सबको क्लियर है क्या इसके बाद शायद पॉपुलेशन एट्रीब्यूट हम डिस्कस करेंगे Yes, next we come on the population interaction. Now, please let me know in the comment box. Is it clear to everyone? Is it clear? Yes or no? Clear? Okay. पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी जस्ट गिव मी अ सेकेंड फॉर द वॉटर ब्रेक दैन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेशन चलो नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द पॉपुलेशन इंटरेक्शन ठीक है इसमें एक तो होता है बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन यानी कि पॉपुलेशन एक तो होता है पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या होता है जो दोनों ही इंटरैक्टिंग स्पीशीज है जो आपस में इंटरेक्ट कर रही है दोनों ही इंटरैक्टिंग स्पीशीज को आपस में एक दूसरे से फायदा होता है कोई नुकसान नहीं होता है दोनों ही एक दूसरे से फायदा होता है दैट इज द म्यूचुअलिज्म और एक और हम पढ़ते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन उसे हम कह रहे हैं प्रोटो कॉपरेशन इसमें वही दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज को आपस में एक दूसरे से फायदा ही हो रहा है कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कॉपरेशन में तो डिफरेंस ये है कि जो म्यूचुअलिज्म जो है ये एक ऑब्लीगेटरी रिलेशनशिप है ऑब्लीगेटरी रिलेशनशिप है ये एक ऑब्लीगेटरी रिलेशनशिप का मतलब कि जीवन जीने के लिए जरूरी है बिना उसके ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म के अंदर दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज को आपस में एक दूसरे से फायदा होता है और ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है दोनों एक दूसरे के बिना अपना जीवन कंप्लीट नहीं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं प्रोटोकॉपरेशन है ये भी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों ही इंटरेक्टिंग स्पीशीज को आपस में एक दूसरे से फायदा होता है बट ये म्यूचुअलिज्म से कैसे डिफर करता है ये एक फैकल्टेटिव रिलेशनशिप है ऑप्शनल है <clears throat> एक रिलेशनशिप है ऑप्शनल है हो तो करेंगे बाकी ऐसा नहीं है कि इसके बिना लाइफ साइकिल ही कंप्लीट ना हो ठीक है एक है आपका पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन एक इंटरक्टिंग स्पीशीज को फायदा होगा दूसरे इंटरक्टिंग स्पीशीज को नुकसान होगा इसमें भी दो है पैरासिटिज्म और एक है प्रिडेशन ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन में एक को फायदा दूसरे को नुकसान जैसे पैरासिटिज्म की हम बात करें तो पैरासाइट एक स्मॉल बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हमेशा फायदा होता है और होस्ट लार्ज बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म होगा जिसे हमेशा नुकसान ही होगा प्रिडेशन में भी प्रिडेटर और होस्ट होते हैं ठीक है सॉरी प्रिडिटर और प्रे होते हैं प्रिडेटर हो प्रिडेशन में एक तो प्रिडेटर होगा एक प्रे होता है जो पकड़ के खाएगा वो प्रिडेटर है जो पकड़ के खाने में आएगा दैट इज द प्रे फॉर एग्जाम्पल लायन एंड द डियर तो डियर को पकड़ के खाता है लाइन तो डियर जो पकड़ के खाने में आ रहा है वो प्रे हो गया और लॉय जो पकड़ के खा रहा है वो प्रेडेटर हो गया स्पैरो एक चिड़िया जो अनाज का दाना चुग रही है स्पैरो प्रेडेटर है ग्रेन अनाज का दाना बिल्कुल वो इसके अंदर प्रे ही है ऐसे याद करना है और पैरास तो हमेशा प्रेडेटर को तो फायदा होता है प्रे को नुकसान होता है ऐसे ही पैरासिटिज्म में एक पैरासाइट होता है जो स्मॉल बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म होता है एक होस्ट होता है जो लार्ज बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म है पैरासाइट को हमेशा फायदा होता है होस्ट को हमेशा नुकसान होता है लेकिन दोनों में अंतर यह है में तो प्रे, प्रे, हमेशा प्रे को खत्म कर देगा मार देगा पैरासिटिज्म वाला जो रिलेशनशिप है पैरासाइट अपने होस्ट को कभी भी मारता नहीं है जान से उसे सिर्फ कमजोर बनाता है खैर इसका डिटेल मैं इनके डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी जस्ट यहाँ पर मैंने एक हिंट दिया है उसके बाद एक इंटरेक्शन है आपका पॉजिटिव जीरो न्यूट्रल ये देखने को मिलता है कॉमन सेलिज्म के अंदर कॉमन सेलिज्म एक इंटरैक्टिंग स्पीशीज को फायदा होता है दूसरा इंटरैक्टिंग स्पीशीज न्यूट्रल ना फायदा होगा ना नुकसान होगा दिस इज द कॉमन सेलिज्म एक आपका नेगेटिव जीरो इंटरेक्शन है नेगेटिव में एक इंटरएक्टिंग स्पीशीज को नुकसान होता है दूसरा इंटरैक्टिंग स्पीशीज न्यूट्रल होता है ना फायदा होगा ना नुकसान होगा न्यूट्रल है दिस इज़ द और एक आपका नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है दैट इज द दोनों ही इंटरैक्टिंग स्पीशीज को नुकसान ही होगा जो होता है कॉम्पिटिशन के अंदर ठीक है मैं साइड हट रही हूं एक बार आप आराम से देख लीजिए क्या है इसके अंदर ये अपन ने कुछ आ, इंटर स्पेसिफिक इंटरक्शंस देखे हैं हमने क्या बात की एक तो है पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव नाम से पता लग रहा है दोनों को ही फायदा हो रहा है एक तो प्रोटो प्रोटोकॉपरेशन है उसमें एक म्यूचुअलिज्म है दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है म्यूचुअलिज्म के अंदर तो ये ऑब्लीगेटरी रिलेशनशिप है यानी कि इस रिलेशनशिप के बिना दोनों ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते यानी कि जीवन जीने के लिए ज़रूरी है एक पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन जो है यह कॉपरेशन इसमें क्या है ये फैकल्टेटिव रिलेशनशिप है ऑप्शनल है जरूरी नहीं है इसके बिना ऐसा नहीं है कि लाइफ साइकिल ही कंप्लीट नहीं होगी आई एम सो सॉरी फैकल्टेटिव का मतलब होता है बेटा ऑप्शनल ठीक है एक पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव में एक पैरासिटिज्म है एक प्रिडेशन है पैरासिटिज्म में एक को फायदा एक को नुकसान प्रिडेशन में भी एक को फायदा एक को नुकसान दोनों में जो एक मोटा मोटा अंतर है वो ये पैरासिटिज्म में तो पैरासाइट अपने होस्ट को कभी भी मारेगा नहीं सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा उसे कमजोर बनाएगा जबकि प्रिडेशन के अंदर प्रिडेटर अपने प्रे को जान से मार देता है ठीक है एक है पॉजिटिव जीरो इंटरक्शन पॉजिटिव जीरो इंटरैक्शन है ठीक है यानी कि एक इंटरैक्टिंग स्पीशीज को फायदा है दूसरा में कोई उसको इफेक्ट नहीं पड़ता ठीक है नेक्स्ट जो है नेगेटिव जीरो इंटरैक्शन दैट इज द एमेंसेलिज्मिज्म में एक को नुकसान एक एकदम न्यूट्रल है दो दिस इज दम एस एलिज एक है कॉम्पिटिशन दोनों ही इंटरक्टिंग स्पीशीज को एक दूसरे से नुकसान पहुंच रहा हो तो इट इज द कॉम्पिटिशन आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरी वन राइट नाउ व इज इट क्लियर बच्चा आगे इन सबका डिटेल हम अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर देखेंगे तो कैन वी स्विच ऑन टू द नेक्स्ट वन इज इट क्लियर इज इट ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस चलो नेक्स्ट शुरू करते म्यूचुअलिज्म डिटेल ऑलरेडी पढ़ा चुकी तो जस्ट एक न्यूज़पेपर रीडिंग लगा रही हूं इट कन्फर्स द बेनिफिट ऑन बोथ द इंटरक्टिंग स्पीशीज पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरक्शन में दोनों इंटरक्टिंग स्पीशीज को आपस में एक दूसरे से फायदा होता है ये एक ऑब्लीगेट एसोसिएशन है एज वी ऑलरेडी लिखा चुकी हूँ तो ये लिखना रही है ऑब्लीगेट रिलेशनशिप है यानी कि दोनों को एक दूसरे की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ये रिलेशनशिप जरूरी है इट इज एन ऑब्लीगेट एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म वे आर टू ऑर्गैनिज्म ऑफ ऑन लाइफ टूगेदर एंड कैन नॉट लिव सेपरेटली अलग अलग नहीं रह सकते ये जैसे कुछ एग्जाम्पल्स इसके दे रखे हैं लाइकन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म लाइकन ठीक है आपके बिटवीन द फंजाई इट इज अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंजाई एंड द एलगी एलगी और फंजाई के बीच का म्यूचुअल सिम्बेटिक एसोसिएशन को हम कहते हैं लाइकन एक माइक्रोराइजा बिटवीन द फनजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट इट इज अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द फनजाय एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट माइक्रोराइजल एसोसिएशन आपने पढ़ा होगा ठीक है फिर इसके बाद हम जो पढ़ते हैं फिग एंड वास्प स्पीशीज फिग ट्री एंड वास स्पीशीज फिक्टी का पॉलिनेशन सिर्फ वास स्पीशीज के थ्रू होता है और ये भी अपने अंडे यहां पर देता है तो ये भी एक सिम्बेटिक एसोसिएशन का ही एग्जाम्पल है ठीक है फिगट्री एंड द वास स्पीशीज ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से शो कर रखा है ये इसके में जाके ये अंडे देता है और इसमें पॉलिनेशन सिर्फ इसी से होता है तो फिग ट्री एंड स्पीशीज है ऑर्किड एंड बीज ये ऑर्किड एंड बीज में सूडो कॉपुलेशन के उसके थ्रू ये होता है ठीक है बी एंड बम्बल बी बी इसे हम कहते हैं टू एंश्योर द गारंटीड पॉलिनेशन वाई अट्रैक्ट ऑर्किड हैव अ बी वाइडरिंग डाइवर्सिटी ऑफ द फ्लोरल पैटर्न मतलब इसका ऑर्किड का एक जो पैटर्न ना बिल्कुल इसकी फीमेल बी की तरह दिखता है तो मेल भी इसको देख फीमेल समझ के अट्रैक्ट होता है सूडो कॉपुलेट करता है और इस तरीके से पॉलिनेशन होता है तो ये बी एंड बम्बल बी भी से कहते हैं ऑर्किड एंड और बी ये भी एक तरीके का म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है ठीक है ये वाला है सॉरी बी एंड बम्बल बी ये फॉर एग्जाम्पल द मेडिटेरियन जो मैं आपको बताया हूं सुडो कॉपुलेशन मेडिटेरियन ऑर्किड एंड ऊफरिस ये सेक्शुअल ये सूडो कॉप्युलेट करके ये इसमें देखो लिखा है फ्लार बियर एंड रिजेंबलेंस टू द फीमेल मतलब उसका साइज कलर मार्किंग बिल्कुल फीमेल बी की तरह दिखता है तो ऑर्किड ये इसको आके अट्रैक्ट करता है और इस तरीके से सूडो कॉपुलेशन से हो जाता है तो मेडिटेरियन ऑर्किड एंड ये लिख लिखना मेडिटेरियन ऑर्किड एंड ऊफरिस इसमें सूडो कॉपुलेशन के थ्रू यहाँ पर होता है दैट्स ऑल अबाउट दिस ठीक है ठीक नेक्स्ट जो है अपन ने ये पढ़ा नेक्स्ट है कॉमन सेलिज्म कॉमनसेलिज्म प्रोटोकॉपरेशन वगैरह सब एक एक करके मैं लिखवाऊंगी एक एक देखते कॉमन सेलिज्म कॉमन सेलिज्म में पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन एक स्पीशीज को फायदा होगा दूसरा न्यूट्रल होगा देखो दिस इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नीदर हार्म नॉर बेनिफिटेड यानी कि न्यूट्रल होता है इसे हम कहते हैं कॉमन सेलिज्म ठीक है Cellism, जो है कुछ एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉमेंसिलिज्म के एग्जाम्पल दे रखे हैं दे आर द ऑफ इज ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एपीफाइड ऑर्किड विच इज गोइंग ऑन अनदर प्लांट लाइक द मैंगो ठीक है orchid, like ये भी इज ग्रोइंग ऑन विच इज प्रेजेंट ऑन द बैक क्लॉन फिश इट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस ठीक है सी दिसमोन ये भी क्लॉन फिश इसी का एग्जाम्पल है कैटल आर्गेड बर्ड्स दिस आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ कॉमन पॉजिटिव ज़ीरो इंटरेक्शन है एक को फ़ायदा एक न्यूट्रल रहेगा कॉम्पटिशन में कॉम्पटिशन के अंदर दोनों ही इंटरेक्टिंग स्पीशीज़ को एक दूसरे से नुकसान होता है किसी को भी एक दूसरे से एक सेकेंड मैं ये आपको अलग तरीके से लिखाना चाह रही थी लेटमी चेक फर्स्ट इसके अलावा इसके अंदर और क्या दे रखा है मैंने इसके अंदर ये डाला हुआ है कि ये मुझे चेक कर लेने दो दैट इज आपना ये म्यूटेशन जस्ट गिव मी अ सेकेंड नहीं है Wait a second, guys. <coughs> <coughs> yes, next we are talking about the competition that is the negative. नेगेटिव इंटरक्शन क्या होता है दोनों इंटरक्टिंग स्पीशीज को आपस में एक दूसरे से नुकसान ही होता है किसी को भी फायदा नहीं होता है ठीक है तो कॉम्पिटिशन इन द ब्रॉडेस्ट सेंस रेफर्स टू द इंटरैक्शन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म जो कि सेम रिसोर्सेस पर डिपेंड करते हो कॉम्पिटिशन अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज सेम स्पीशीज के मेंबर्स में कॉम्पिटिशन फॉर वन और मोन कॉमन रिसोर्सिस के लिए इसकी वजह से होता है सेम स्पीशीज के मेंबर्स में आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन होगा ठीक है और अगर डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में कंपटीशन है तो इट इज द स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इंटर स्पेसिफिक डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में कॉम्पिटिशन ठीक है तो इसमें कंपटीशन में क्या होता है स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर आपको देखने को मिलेगा यानी कि जो जो बेहतर होगा वो सरवाइव करेगा और जो इंफीरियर वन होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज मोर एक्ट क्योंकि ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़ सेम स्पीशीज़ के मेंबर की सेम रिक्वायरमेंट होंगी तो सेम रिसोर्सेज पर उनकी डिपेंडेंसी होगी फूड स्पेस लाइट वाटर शेल्टर मेटिंग तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा कॉमन होगा तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सब अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करते हैं और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो बेस्ट होगा जो सुपीरियर वन होगा वो सर्वाइव कर जाएगा इनफीरियर वन जो है होगा वो एलिमिनेट कर जाएगा अब वो कह रहा है कंपटीशन जो है ये दो तरीके से होता है एक तो होता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन गॉड्स सर ने दिया था गॉड्स प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन उन्होंने ये कहा था कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो कि सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कंपीट करेंगी ये एक साथ लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगी जो सुपीरियर वन है वो रह जाएगा जो इन्फीरियर वन है वो एलिमिनेट हो जाएगा उसे कॉम्पिटिशन कैसे डिफाइंड किया जाता था इट इज़ डिफाइंड एज द कॉम्पिट बिटवीन द टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज फॉर द सेम रिसोर्सिस बट ये जो डेफिनेशन है ना कॉम्पटिशन की पूरी तरक्की से सही नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़रूरी नहीं है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में ही हो दो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में भी कॉम्पिटिशन होता है दूसरी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए ही कॉम्पिटिशन हो रिसोर्स अगर अनलिमिटेड है तो भी कॉम्पिटिशन होता है इसके विद एग्जाम्पल्स में आपको भी डिस्कस करूंगी बट जैसे कि यहां पर दे रखा है एक सेकेंड बच्चों लैपटॉप का बैटरी रनिंग लो लगता है ये चार्ज पे नहीं लग रहा पहले मुझे से चार्ज पे लगाने दो अदरवाइज तो हाँ चार्जिंग नहीं लग रहा है एक मिनट बेटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज का सेशन मुझे अभी फ़िलहाल के लिए तो रोक देना चाहिए आई एम नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली आज बड़ी मुश्किल से ही मैं आपका सेशन ले रही थी क्या करना है स्पेशल क्लास लगा लूंगी बच्चे लगा लूंगी uh. क्या करें एक्चुअली फ्रॉम नून आई हैव आ सीवियर हैड एक एंड अभी ये जो स्टूडियोज की जो लाइट है इट गिवस मी द इिटेशन सो कैन वी कैन वी प्रोसीड दिस से बट इसमें एक्चुअली बेटा थोड़ा सा पार्ट बचा है तो इसके अंदर एक काम करेंगे ऐसा कर सकते हैं एक काम हम करेंगे चलो मैं म्यूटेशन पढ़ा दूंगी ना हाँ ऐसे करके कर देंगे Uh, कल मॉर्निंग मिलते हैं नाइन थर्टी खत्म करेंगे और म्यूटेशन भी पढ़ा दूंगी मैं फिर साथ में एक काम कर लेंगे दोनों चीजें कंप्लीट uh, कर लेंगे म्यूटेशन भी मैं आपको पढ़ा दूंगी आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे ऐसा होगा तो फिर मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पाऊंगी तो फायदा क्या है पढ़ाने से एक सेकेंड आ रही हूँ मैं थोड़ा सा बचा है पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला जो सेशन है ना ये मैं सुबह मॉर्निंग 9:30 वाली क्लास में प्रोसीड कर लूँगी 9:30 वाले सेशन में म्यूटेशन भी खत्म कर लेंगे चैप्टर हम खत्म कर देंगे टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई एम बस जस्ट कंप्लीटिंग दिस लेक्चर ओवर हा थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू थैंक यू स्टूडेंट्स इट्स ऑल अबाउट दस प्लीज इफ द लाइक बटन इफ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड लिंक शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ जुड़कर मैं स्पेशल क्लास के अनाउंसमेंट भी यहाँ कर देती हूँ आप मेरे साथ जुड़कर ये सिंपली सी एक कोड अप्लाई करके शिवानी कोड अप्लाई कर कर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अन अकेडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वीडियो की शुरुआत में बताया है इससे आपको 10 परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा डीपीपी क्वेश्चन बैंक स्टडी मटेरियल मेरा मेंटरशिप मेरे ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओगे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन जाओगे ठीक है आपको मेरे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स मिलेंगे सारे तमाम फायदे और सिर्फ मैं नहीं मेरे साथ इंडिया के पचास से भी ज़्यादा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के आपको यहाँ पढ़ाते हैं तो आप बिल्कुल हमारे साथ इंटरेक्ट करके बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपने नीट की जर्नी को तय कर सकते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म को वाई अप्लाइंग दस कोड शिवानी आप सब्सक्रिप्शन एडिट किसी भी क्वेरी के लिए मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर जाकर डॉक्टर शिवानी भार्गव सर्च कीजिए मेरा प्रोफाइल को मुझे फॉलो करो वहाँ मैसेज का ऑप्शन आता है अनअकेडमी डॉट कॉम एट द रेट शिवानी वन नाइन नाइन जीरो यहाँ फॉलो करिए फॉलो करो मुझे यहाँ मैसेज भी आप मुझे कर सकते हो और गेट नोटिफिकेशन का ऑप्शन होगा उस पर भी क्लिक कर दो जिससे कि मेरी जितनी भी फ्री क्लासेज होती है यहाँ पर वो सब आप इन्जॉय कर सकें कल रात नौ बजे YouTube पर नहीं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का टेस्ट मैं यहाँ पर कंडक्ट करने जा रही हूँ ठीक है इट इज़ ऑल अबाउट दिस इट इज ऑल अबाउट माई टूडे सेशन थैंक यू सो मच ब बाय कल सुबह मिलेंगे साढ़े नौ बजे ठीक है थैंक यू ब बाय लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लैसिंग टू ऑल माई डियर एंड लवली स्टूडेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड रिगार्डिंग टू एनी थिंग प्लीज लक्ष्मी नो ओव या आई विल क्लेयर लक्ष्मी नो ओवर अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं ओके मे आई गो नोटिफिकेशन यही था ओके एज आई टोल्ड यू ना एज आई एम नॉट फीलिंग वेल तो कल से आपको नोटिफिकेशन मिल मिल जाएगा अभी तो क्लास है नहीं मैं टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर दूंगी ठीक है ciao bye-bye